गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ मोहित ऑडिबल है बेटा? ओके okay। चलिए बच्चों ठीक है। तो अपना बोर मॉडल चल रहा था बेटा। आगे चलें। आज अपन बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखिए क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो बेटा सुनो। सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये लोअर एनर्जी लेवल है बेटा और ये हायर एनर्जी लेवल है ठीक है। अगर वो लोअर से हायर में गया क्या बच्चों या वो हायर से लोअर में आया ऐसा दो कंडीशन पॉसिबल है बच्चों। वो हायर से लोअर में भी आ सकता है। अब मुझे बताओ बच्चों जब वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में गया लोअर से हायर एनर्जी लेवल में गया तो वो एनर्जी को क्या करेगा बोलो बच्चों गेन करेगा। यहां पे क्या होगा बच्चों बताओ यहां होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा बच्चों। अच्छा एब्जॉर्प्शन होने से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या बनेगा तो क्या बोलते हैं बच्चों तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया बोलो बच्चों। जैसा देश वैसा बेस जैसा प्रोसेस वैसा नाम हो गया आपके स्पेक्ट्रम का। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आया तो क्या करेगा बताओ बच्चों क्या करेगा रिलीज या एमिशन ऑफ एनर्जी ये होगा बच्चों। और इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा है ना इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया बच्चों बोलो। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में गया जैसे देखो बेटा सुनो चाहे वन से टू में जाए चाहे टू से थ्री में जाए चाहे वन से फोर में जाए चाहे थ्री से फाइव में जाए इन सब में लोअर से हायर में जा रहा है बच्चों बताओ सब में लोअर से हायर में जा रहा है क्या बोलो ठीक है ना। तो यहां क्या होगा बेटा बताओ यहां होगा एब्जॉर्प्शन ठीक है। मान लीजिए चार से एक में आया चार से तीन में आया पांच से दो में आया नौ से सात में आया बताओ यहां क्या कर रहा है वो हायर से लोअर में आ रहा बच्चों तो यहां क्या होगा बताओ यहां एमिशन स्पेक्ट्रम होगा होगा बच्चों। ये सिंपल सी बात है आपको बॉल को नीचे से ऊपर फेंकना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और जब बॉल ऊपर से वापस नीचे आती है तो वो एनर्जी का क्या करती है लॉस होता है एनर्जी को रिलीज करती है बच्चों ठीक है। अब देखो बेटा सुनो हमारे सिलेबस में ये है ना एमिशन स्पेक्ट्रम ठीक है बेटा। हमारे सिलेबस में कौन सा स्पेक्ट्रम है एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब देखो बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना आप। देखो बेटा सुनो सपोज जैसे देखिए हमने क्या किया इस तरह से एनर्जी लेवल बना लिए बना लिए बेटा अब देखो मान लो ये न्यूक्लियस है ठीक है बेटा ये n इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
और हो सकता है किसी लेवल पर जाते जाते वो इनफाइनाइट हो जाए। हो गया बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, ये जो एन वन है बेटा, इस एन वन में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से आ सकता है बच्चों। देखो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, सपोज दो से एक में आए, सपोज तीन से एक में आए, चार से आए, पांच से आए, छह से आए या सात से आए। आप मुझे बताओ, फाइनली ये सारे इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किस में आए हैं? बताओ, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वन में आए बच्चों, एन इक्वल्स टू वन में। तो इसको अपन पता है क्या, कौन सी सीरीज बोलते हैं इसको? बोलते हैं बेटा, अपन बोलते हैं लाइमेन सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? लाइमेन सीरीज। अब मुझे बताओ, अभी इस डायग्राम में टोटल कितनी लाइमेन सीरीज बनाई है मैंने? बताओ, काउंट करके बताओ, सिक्स बनाई है। चेक करो, देखो, बहुत आसान सी बात है। कैसे? हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या था? हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या अभी? सेवन है। और किसमें आ रहा है? किसमें आ रहा है? वन में। सेवन और सिक्स, सॉरी, सेवन और वन का डिफरेंस बोलो सिक्स। समझ आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, मान लो इस तरह से ऐसे आ रहा हूं, अब बताओ बच्चों, अब किस में आ रहा है? बताओ, सेकंड में आ रहा है। तो बेटा ये जो सीरीज बनी, ठीक है ना, इस सीरीज को अपन नाम देते हैं बेटा बामर सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? बामर सीरीज। समझ में आ गया? टोटल लाइन काउंट करके बताओ, टोटल लाइन काउंट करके बताओ, फाइव हुई ना। अब देखो बेटा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या था? हाईएस्ट एनर्जी क्या बनाया हुआ है? सेवन। आ किसमें रहा है? टू में। डिफरेंस बोलो फाइव का। क्लियर है बच्चों? ठीक है, फिर देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखिए अपन ये लेते हैं, ये है बेटा। अब बताओ, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को अपन बोलेंगे पास्टन सीरीज, ठीक है। फिर देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा ब्रिकेट सीरीज, ठीक है बेटा। फिर देखिए, मान लीजिए इसमें आ रहा है ना, इसको बोलेंगे फंड सीरीज, पी साइलेंट है बेटा, ठीक है। एंड फाइनली मान लीजिए अगर वो इसमें आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम्फ्री, ठीक है। तो बताओ, टोटल कितनी सीरीज बताई है मैंने? बताओ, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रिकेट, फुंड, हम्फ्री। देखो, एक लाइमन है, एक बामर है, एक पास्टन है, एक ब्रिकेट है, एक फुंड है और एक हम्फ्री है बच्चों? अब बताओ मेरे को, मुझे बताओ, ये मैं इसको ऐसे याद रखूंगा। देखो, मैं बोलूंगा लो पीपी, है ना, फिर क्या बोलोगे? पीपी क्या हो गया? हाई हो गया, याद रह जाएगा। लो बीपी, बीपी हाई। अरे बच्चों, समझ में आ गया, याद रह जाएगा। अब देखो बेटा, सुनो, अगर अपन इनको ढंग से सीखें तो देखो बेटा, सीरीज एन वन दैट इज लोअर लेवल है ना, N2 क्या बोलेंगे? हायर लेवल,
ठीक है, एंड लैम्डा रिलेटेड टू, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले कौन सी सीरीज है बेटा, लाइमन। लाइमन की सीरीज कब बनेगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में आए, बताओ बच्चों, वन में, है ना। अब वन से ऊपर जो भी है, टू थ्री फाइव एंड सो ऑन। आगे बच्चों, अब देखो लाइमन के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे इस पे, बामर पे। बामर का बनेगा टू में। अब टू से ऊपर क्या क्या हो सकते हैं, देखो थ्री फोर फाइव सिक्स हो सकता है बच्चों। लाइमन हो गया, बामर हो गया, फिर आ जाओ पास्चन पे, तो ये थ्री हो गया। तो थ्री से ऊपर कौन से है ना बेटा, जस्ट हमें ऊपर वाले लिखने हैं, ठीक है। फिर देखो बेटा ब्रिकेट, फिर आएगी आपकी कुंड, फिर आएगी हम्फ्री। हो गया बच्चों, तो देखो ये फिर सिक्स सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन टेन। पहले ये एन वन एन टू समझ आ गए बच्चों, बताओ एन वन एन टू समझ में आ गए। अब देखो बेटा सुनो, लैम्डा है ना, इनका लैम्डा, देखो लाइमन का जो लैम्डा है वो किससे रिलेट करता है, वो करता है अल्ट्रावायलेट, किससे बेटा, अल्ट्रावायलेट। और बामर करता है विजिबल रीजन, बाकी ये सारे है ना वो आपके रिलेट करते हैं इंफ्रारेड से, किससे करते हैं बेटा, इंफ्रारेड से। समझ में आ गया, बोलो बच्चों। एक बार बताओ सबसे पहली सीरीज कौन सी सीरीज डिस्कवर होगी, बताओ बताओ बच्चों, कंफर्म है ना, बामर होगी, क्यों होगी बामर बताओ, क्योंकि देखो बामर किसमें मिल रहा है, विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन को अपन आराम से अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं ना बेटा। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड सीरीज कौन सी है, बामर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले किसको खोजा गया, बामर सीरीज को, बल्मा को खोजा गया है ना, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक बार आता बेटा, लाइमन की ये जो फर्स्ट लाइन है वो कौन से ट्रांजिशन से बनी, बताओ लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन से ट्रांजिशन से बनी, दो से एक में बनी, बोलो बच्चों, दो से एक है ना, सेकंड सेकंड तीन से। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, अपन नेक्स्ट बोल रहे हैं एन टू फोर ए पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो क्या करना है, देखो बेटा एन वन प्लस लाइन नंबर, इसका मीनिंग समझाता हूं मैं। जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं, एग्जांपल पूछूं, एन टू फोर सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है बेटा। आपको लाइमन की सेकेंड लाइन के लिए एन टू बताना है। तो सबसे पहले देखो आपको इसने सेकेंड दे रखा है, वो तो लिखना ही लिखना है, और लाइमन के लिए एन वन की वैल्यू बोलो, लाइमन का बनता है वन, तो टोटल कितना हो गया, थ्री हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को तीन से एक में जाना पड़ेगा, समझ आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा, तीन से एक में जाना पड़ेगा। फिर देखे बेटा सुनो, एन टू फोर थर्ड लाइन ऑफ
Palmer series, है ना बेटा? किसके लिए बताना है? थर्ड लाइन ऑफ Palmer बताना है, ध्यान रखना। तो ये रखो, अब बताओ Palmer कब बनता है, इलेक्ट्रॉन किसमें आई, टू में ना? तो देखो कितना हो गया, फाइव, यानी इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ेगा, फाइव से टू में। क्लियर हुआ क्या, बोलो बच्चों? ठीक है, फिर देखो, मान लीजिए एन टू फोर फोर्थ लाइन ऑफ, है ना, ब्रिकेट सीरीज, ब्रिकेट सीरीज की बतानी है आपको, ठीक है बेटा? तो ब्रिकेट सीरीज की देखो, फोर्थ तो दिख रहा है, ये फोर्थ लिख दो, बताओ Lyman, Palmer, Paschen, Brickett, तो एन वन फोर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो कहां से कहां जाना पड़ेगा, एट से फोर। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? आ गया, ओके। अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना है आपको, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल लाइंस डेल्टा एन प्लस वन बाय टू। यहां डेल्टा एन क्या है, देखो बेटा सुनो, क्या हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, ये करना है, ठीक है ना? अब जैसे देखो बेटा सुनो, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम सेवन एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल इन ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी, ये बताना है बच्चों। देखो सुनो, आपको क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहा है, सेवन टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल तो वन हो गया बच्चों, बोलो ग्राउंड लेवल तो वन हो गया। तो मुझे बताओ, अगर अपन इस हायर एनर्जी लेवल को बेटा बोल देते हैं एन टू और लोअर को बोल देते हैं एन वन, तो मुझे बताओ बच्चों क्या हो गया, एन टू माइनस एन वन, सेवन माइनस वन, सिक्स हो गया बच्चों, है ना बेटा? आप मुझे बताओ, ये सिक्स आ गया। अब देखो बेटा क्या करना है, टोटल लाइंस निकालनी है, सिक्स सिक्स प्लस वन बाई टू, ये 21 आ गई। आगे बच्चों, आ गई, समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अब मुद्दा ये है कि जो ये टोटल 21 लाइंस बनी वो किसकी सीरीज की बनी, ये टोटल 21 लाइंस किस किस सीरीज की बनी? आप देखो बेटा, अभी जब आपने डायग्राम बनाया ना, एक इसमें पिक्चर समझना ढंग से, बताओ हम्फ्री सीरीज की कितनी बनी हुई है, बताओ हम्फ्री की एक बनी हुई है, चेक करो। देखो हम्फ्री की एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है और ये छह है, दिख रहा है आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इन सारी सीरीज को जोड़ो आप, है ना, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, कितना आ रहा है बोलो, इनका सम करो, 21 आ रहा है बच्चों, 21 आ रहा है ना, आ रहा है बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान दो, ये 21 है, मैं क्या करूंगा, देखो बेटा ऐसे गिनती लिखेंगे अपन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
ऐसे लिख ली मान लीजिए। अब देखो बेटा इनको सक्सेसिव ऑर्डर में जोड़ो तो वन और टू कितना हो गया, थ्री हो गया, थ्री और थ्री कितना हो गया, सिक्स हो गया, सिक्स और फोर टेन हो गया, टेन और फाइव फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन और सिक्स 21 हो गया। जहां आपका टोटल एडिशन कंप्लीट हो जाए वहीं रुक जाओ बेटा, वहीं रुक गए। ये समझ आया बच्चों, इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो। अब एक बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है, लोअर लेवल बताओ, वन में आ रहा है ना, तो वन में आ रहा है तो इसका मतलब स्टार्ट तो लाइमन से होगा। तो देखो बेटा छह लाइमन की, पांच बामर की है ना, चार पाश्चन की, फिर ब्रिकेट की, फिर फुंड की और फिर हम्फ्री की। समझ आ गया बच्चों, तो छह बनेगी लाइमन की, पांच बनेगी बामर की है ना, लाइमन बामर पाश्चन ब्रिकेट फुंड हम्फ्री। क्लियर है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो आपसे कोई कहे कि बताओ सिक्स टू वन, बताओ फटाफट टोटल लाइन बताओ, टोटल लाइन बताओ बच्चों, तीन होगी क्या, क्या करना है देखो, सिक्स और वन सबसे पहले डिफरेंस लो और डिफरेंस में प्लस वन करो और उनको क्या करो, मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड कर दो। तो देखो बच्चों बताओ टोटल लाइंस, सिक्स और वन डिफरेंस कितने का हुआ, फाइव का हुआ है ना बेटा, फिर फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू तो कितना आ गया, फिफ्टीन आ गया, क्या आ गया बच्चों, बोलो। अब क्या करना है आपको, देखो जैसे आपको याद है क्या, यहाँ थ्री हुआ था, यहाँ फाइव हुआ था, यहाँ नाइन हुआ था, यहाँ फिफ्टीन हुआ था, यहाँ ट्वेंटी वन हुआ था, तो हमें कहाँ रुक जाना है, जहां हमारा सम कंप्लीट हो जाए। सम कहाँ कंप्लीट हो रहा है, सम कहाँ कंप्लीट हो रहा है, बोलो, फाइव पे कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ, अब बताओ फाइव पे जब हमारा सम कंप्लीट हो गया तो अब बताइए कि लाइंस बताओ वन में आ रहा है, अगर वन में आ रहा है तो कंफर्म ये लाइमन की बनी, ये बामर की बनी, ये पाश्चन की, ये ब्रिकेट की और ये फुंड की। क्लियर है बच्चों, बोलो बेटा। अब सपोज आपसे ये कहे कि सेवन से टू में आ रहा है, ठीक है बेटा, तो टोटल लाइंस बतानी है बेटा, तो बताओ, तो सेवन से टू में कैसे करेंगे बेटा, सेवन से टू डिफरेंस कितने का हो गया, सेवन से टू डिफरेंस पांच का हो गया, इसमें एक और जोड़ो छह कितना हो गया, पंद्रह हो गया, ये तो सबको समझ में आएगा, वेरी गुड। अब देखो बेटा सुनो, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक हमें पता है फिफ्टीन हो जाता है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन आ किस में रहा है, सेकंड में रहना, बोलो, वन में तो आ ही नहीं रहना बेटा, बोलो, वन में तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब लाइमन नहीं बनेगी, स्टार्ट किससे होगी, स्टार्ट बामर से होगी। तो देखो बेटा फाइव बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रिकेट, फिर फुंड, फिर क्या हो जाएगा, हम्फ्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कैसे निकालना, समझ में आ गया, बोलो बच्चों, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से समझना, हमने ये बोला, देखो जैसे मान लो लाइमन की फर्स्ट सीरीज है, लाइमन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
एंड फोर्थ है बेटा, ऐसा लिखा मैंने। तो लाइमन की फर्स्ट कब बनी? दो से एक, बोलो, तीन से एक, चार से एक और आपकी पांच से एक। ये बात सही है क्या? ये लाइमन की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ऐसी बनेगी। बोलो बच्चों, पक्का? इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसका डेल्टा ई बोलो, इसका डेल्टा ई वन है, इसका डेल्टा ई टू है, इसका डेल्टा ई थ्री है एंड डेल्टा ई फोर है। बताओ बच्चों, कहाँ डिफरेंस ज्यादा होगा? दो से एक वाला डिफरेंस ज्यादा है या पांच से एक वाला? सिंपल सी बात है ना, फाइव टू वन वाला ज्यादा है ना भाई। देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज हमने ये लिया, ये एक से दो का डिफरेंस हुआ और ये एक से पांच का डिफरेंस हुआ, तो कंफर्म है ना पांच से एक या एक से पांच वाला डिफरेंस ज्यादा होगा? होगा बच्चों। तो बोलो डेल्टा ई का रिलेशन समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, डेल्टा ई समझ में आ गया ना, तो मुझे एक बात हो बेटा, देखो डेल्टा ई जो होता है वो होता है एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। तो डेल्टा ई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो ये बात सही है? बोलो, बोलो ये बात सही है। तो अब देखो बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, वन टू थ्री एंड फोर, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? बोलो बच्चों, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, किसकी होगी? अरे जिसका डेल्टा ही ज्यादा होगा उसका होगा ना। वन क्यों बोल रहे हो साहिल अनीजा? समझ में आ गया? अब देखो बेटा, लैम्डा की बात करनी है, लैम्डा। अब बताओ लैम्डा किसका ज्यादा होगा? लैम्डा वन का होगा। देखो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर। समझ में आ गया बच्चों? ये ऑर्डर समझ में आए? बोलो सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत आसान सी बात है। अब देखो बेटा सुनो, एक बात ध्यान रखना कि देखिए है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज है ना, उसको बेटा अल्फा बोलते हैं है ना, कई बार अल्फा बोल दिया जाता है। सेकंड लाइन ऑफ एनी सीरीज उसको बीटा बोल दिया जाता है ना। थर्ड लाइन ऑफ सीरीज उसको गामा बोल दिया जाता है ना। फोर्थ लाइन ऑफ एनी सीरीज उसको डेल्टा बोल दिया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोल दिया जाता है? डेल्टा। समझ में आ गया बच्चों? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेवा है ना, इतनी काम आती है, इससे ज्यादा काम आएगी नहीं हमारी। ये समझ आ गया बच्चों? अब जैसे देखो सुनो, मान लो अगर मैं आपसे बात करूं बामर की है ना, तो बामर की बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बेटा। बताओ बामर की फर्स्ट कब बनेगी? बामर की फर्स्ट कब बनेगी? कंफर्म है ना? ये तो सबको कंफर्म है। देखो बेटा, थ्री से टू, फोर से टू, फिर फाइव से टू, सिक्स से टू है बच्चों। अब बताओ अगर हमें इनका डेल्टा ई देखना है तो कौन सा डिफरेंस ज्यादा है, थ्री से टू वाला है या सिक्स से टू वाला है? कंफर्म सिक्स से टू वाला है ना बेटा? तो देखो डेल्टा ई वन, डेल्टा ई टू, डेल्टा ई थ्री एंड डेल्टा
E4। अच्छा न्यू पता लग गया, न्यू पता लग गया, फिर डेल्टा ही पता लग गया तो सेम ऑर्डर आ जाएगा। बोलो बच्चों आ जाएगा क्या? अच्छा लैम्डा बताओ, लैम्डा वन ग्रेटर देन लैम्डा टू ग्रेटर देन, बोलो सही है, होगा बच्चों। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हर सीरीज में है ना, हर सीरीज में ये ऑर्डर फॉलो होगा, चाहे लाइमन हो, चाहे बामर हो, चाहे पास्चर हो, चाहे ब्रिकेट हो, चाहे फुंड हो, बोलो बच्चों ये होगा ना। देखो अपन ऐसा कह सकते हैं फॉर एनी सीरीज है ना बेटा, एनी सीरीज डेल्टा E1 डेल्टा E2 डेल्टा E3 डेल्टा E4 और डेल्टा E से आपको न्यू और लैम्डा का पता लग जाएगा। क्या क्लियर हुआ बच्चों? क्या ये बात समझ में आई आपको? ये रीजन देखो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। देखो फर्स्ट में एनर्जी कितनी होती है? -13.6। फिर कितनी होती है? -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, -0.37 और इनफाइनाइट पर आ जाएगी 0। समझ आया बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो अगर मैं इन दो का डिफरेंस देखता हूं, -13.6 और -3.4, देख रहे हैं बच्चों, -13.6 -3.4, तो 10.2 का डिफरेंस आया, आया बच्चों। अच्छा अब अगर आप इसका इससे डिफरेंस देखो, देखोगे बेटा तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा ना, ये डिफरेंस ज्यादा आएगा ना, बोलो बच्चों कंफर्म? ये बात समझ में आ गई पक्का? ठीक है चलिए बच्चों अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लीजिए आपकी फर्स्ट लाइन है ठीक है, लाइमन की, बामर की ठीक है, पास्चन की एंड ब्रिकेट की ठीक है, तो इनमें ना बेटा डेल्टा ई हमें बताना है बेटा, लाइमन बामर है ना पास्चन एंड ब्रिकेट ठीक है, तो बताओ किसका डेल्टा ई मैक्सिमम होगा? सबसे पहले देखो बेटा एक बात करो, लाइमन की फर्स्ट कब बनेगी? लाइमन की फर्स्ट कब बनेगी? 2 से 1 में बनेगी बेटा, इसकी 3 से 2 में, इसकी 4 से 3 में और इसकी 5 से 4 में। बोलो बच्चों ये मैंने सही लिखा है क्या? ये मैंने सही लिखा है। अब देखो बेटा सुनो, अब आपको मैंने कल बताया था, देखो यहां वैसे डिफरेंस तो सब में 1-1 का आ रहा है, जब डिफरेंस 1-1 का है ना तो फिर आपको क्या करना चाहिए बेटा, आपको है ना परसेंटेज चेंज देखना चाहिए है ना बेटा, तो 1/1 × 100 ये 100% का आया, फिर देखो 1/2 × 100 ये 50% का आया, 1/3 × 100 33.33% का आया, फिर 1/4 है ना बेटा और आपका 100 ये कितने का आया 25%। अरे समझ में आया बच्चों? 2 से 1 का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा, कैसे? देखो -3.4 -13.6 ये 10.2 का आ रहा है, आ रहा बच्चों। अब 3 से 2 की बात करें तो देखो बेटा क्या होगा, आपका -1.51 ये देखो बेटा 1.89 ये डिफरेंस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है ना, बोलो। अरे ये डिफरेंस कम हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो बच्चों, ठीक है, आ गया सबको समझ में? आ गया इतना सबको समझ में? बोलो बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे, व्हेन लाइन नंबर इज कांस्टेंट, है ना, लाइन नंबर अगर कांस्टेंट है। हाँ दर्शी का क्या हुआ? बोलो दर्शी का, हेलो। हाँ दर्शी का, गोस्वामी जी बोलिए क्या हुआ? समझ में तो आ रहा है ना दर्शी का? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मान लो लाइन नंबर कांस्टेंट हो, जैसे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, है ना, तो बताओ डेल्टा ई का क्या ऑर्डर आएगा? लाइमन, फिर पामर, फिर पास्चन, फिर ब्रिकेट, आगे लिख सकते हो फोन एंड हम्फ्री। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, जब लाइन नंबर कांस्टेंट है तो डेल्टा ई कैसे आया? ठीक है, और जब आपकी सीरीज कांस्टेंट है तो डेल्टा ई कैसे आया? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? दोनों फैक्ट समझ में आ गए? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब देखो बेटा, एक बार बताओ मेरे को, सबसे पहले ध्यान से सुनना। देखो बेटा सुनो, अगर अपन बोलें कि देखिए मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस, मुझे बताओ किसी भी एनर्जी लेवल का मिनिमम एनर्जी डिफरेंस किससे होगा? जस्ट अपने पड़ोसी से। मिनिमम एनर्जी डिफरेंस किससे होगा? बोलो बच्चों, एडजेसेंट एनर्जी लेवल से, है ना, ठीक ऊपर वाले से, है ना। मिनिमम एनर्जी लेवल किससे होगा? ठीक ऊपर वाले से, जस्ट अबव होगा बच्चों, जस्ट अबव एनर्जी लेवल होगा बच्चों, या आप क्या कह सकते हो, पड़ोसी से। सही बात है बेटा? बोलो। अच्छा बताओ, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किससे होगा? मैक्सिमम किससे होगा? जो लास्ट एनर्जी लेवल है, लास्ट मतलब इनफाइनाइट पे, लास्ट मतलब इनफाइनाइट पे, है ना, क्या बोलेंगे, लास्ट एनर्जी लेवल, दैट इज इनफाइनाइट। ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, देखो मिनिमम को है ना अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट, है ना, या इसको मार्जिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम या लिमिट या मार्जिनल? बताओ नीट में एक बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं? नीट में एक बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स 720 आ सकते हैं, और मिनिमम, मिनिमम कितने आ सकते हैं? मिनिमम बोलो -180। अरे बच्चों, तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता, ये कई तो वाकई में बहुत झड्डू है। तो ये -720 बोल रहे हैं, ये तो जीरो बोल रहे हैं, ये भगवान के भरोसे ही है बेटा। ये डॉक्टर बन गए ना, लोगों को मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे ये। अरे -720 कैसे होगा भाई, कौन सा रिसर्च किया तूने बेटा? टोटल 180 क्वेश्चन है, सारे के सारे गलत कर दिया आपने, सपोज, है ना,
तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो हर क्वेश्चन का माइनस वन, तो 180 का माइनस 180 बना, माइनस 720 कैसे हुआ? ऐसा मत करो यार। अब मुझे बताओ क्या किसी बच्चे के माइनस 181 मार्क्स आ सकते हैं क्या? क्या किसी बच्चे के माइनस 181 नहीं आ सकते? मतलब मिनिमम जो आएंगे उसमें भी एक लिमिट है, मिनिमम भी माइनस 180 है, उससे नीचे नहीं आएगा। जैसे अपन कई बार मार्केट जाते हैं बार्गेनिंग करते, तो अपन उसको बार्गेनिंग करते करते लास्ट में वो क्या कहता है, भाई साहब इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा, आपको चाहे सामान लेना है तो लो, नहीं तो अगली दुकान चले जाओ, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बोलता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं बोलो, उसको क्या, उसको लिमिट या मार्जिनल बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं बच्चों, कंफर्म ये बात समझ में आई सबको? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं, देखो सुनो, देखिए मैंने लिखा लाइमन पामर है ना, फिर पास्चन, फिर ब्रिकेट, फिर फुंड और फिर हम्फ्री। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको डेल्टा ई मिनिमम चाहिए, डेल्टा ई मिनिमम चाहिए बच्चों, ठीक है ना, तो मुझे बताओ लाइमन के लिए डेल्टा ई मिनिमम 221 होगा बच्चों, बोलो सही है क्या? इसके लिए 322, 423, 524, 625, 726, क्या ये बात क्लियर हुई? जस्ट ऊपर वाले से एक का पड़ोसी दो है, दो का ऊपर वाला तीन है, तीन का ऊपर वाला चार है। अब बताओ डेल्टा ई मिनिमम, अब बताओ डेल्टा ई मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम क्या करेंगे, देखो इनफाइनाइट टू वन, इनफाइनाइट टू टू, इनफाइनाइट टू थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। समझ आया बच्चों? बोलो ये बात में आ गया? पक्का कंफर्म? पक्का? जैसे आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर लाइमन सीरीज के लिए डेल्टा ई मिनिमम पूछे फॉर हाइड्रोजन, बताओ डेल्टा ई मिनिमम पूछे फॉर हाइड्रोजन, तो डेल्टा ई मिनिमम कितना आएगा बताओ? डेल्टा ई मिनिमम क्या आया बच्चों? दो से एक का डिफरेंस बता दो, 10.2 का, और मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? मैक्सिमम 13.6 का आएगा बच्चों। पक्का? बोलो बच्चों सबको क्लियर है ये बात? सबके दिमाग में बैठ गई सबके? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब डेल्टा ई मिनिमम होगा, डेल्टा ई मिनिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा बताओ बच्चों? जब डेल्टा ई मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, और जब डेल्टा ई मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा मुझे एक सिंपल सा बताओ, मैं कहता हूं कैलकुलेट लैम्डा फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन पामर एंड पास्चन सीरीज, बताओ बच्चों लाइमन बामर पास्चन सीरीज के लिए आपको इसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन के क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब लाइमन की फर्स्ट सेकंड थर्ड, बामर की फर्स्ट सेकंड थर्ड, पास्चन की फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है बेटा। सबसे पहले अपन है ना एक काम करते हैं बेटा, देखो सुनो, अपन सबसे पहले लेते हैं, देखो ध्यान देना बेटा, एक बार मैंने ये बना लिया, देखो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। देखो
-13.6 -3.4 -1.51 -0.85 है बच्चों। आप बताओ ये दो से एक, तीन से एक और चार से एक, क्या ये लाइमन की फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी बच्चों? क्या ये लाइमन की फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई? होगी बच्चों। अब देखो सुनो, अगर आपने ये बोला कि लाइमन की है ना सेकंड एंड थर्ड, अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो बताओ बच्चों फर्स्ट का डिफरेंस बताओ, फर्स्ट का डिफरेंस क्या आएगा? देखो बेटा माइनस ये कितना आ रहा है, 10.2 का आ रहा है बच्चों, 10.2 का आ रहा है, आ रहा है। अच्छा बताओ फिर बताओ इसका बताओ सेकंड का डिफरेंस बताओ, 12.09 आ रहा बच्चों। अच्छा थर्ड का बताओ, 12.75 आ गया बच्चों। मेरे पास ये क्या आ गया, ये बटा डेल्टा ई आ गया, आ गया क्या? अब मुझे बताओ अगर मेरे पास डेल्टा ई आ गया तो क्या मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, क्या मैं इनका लैम्डा निकाल सकता हूं? कौन से फॉर्मूले से? 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 है ना, बोलो बच्चों निकाल सकते हैं? तो देखो क्या करेंगे, हमें अगर लैम्डा निकालना है तो 1, 2, 4, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो हमें डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम में लेना है, लेना बच्चों। तो बस अब देखो बेटा सुनो, अगर इस फॉर्मूले को अपन यूज लें है ना, यूज लेते हुए सबसे पहले अपन निकालें, देखो अपन ने निकाला लाइमन फर्स्ट, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ रहा बच्चों 10.2 का, तो कितना हो गया बच्चों, ये तो आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें आपकी लाइमेन की सेकंड, तो सेकंड कैसे बताएंगे, देखो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला बच्चों मैं बहुत पहले बता चुका हूं, याद है क्या? ये फॉर्मूला मैं बहुत पहले बता चुका हूं, कहां से आया था, ठीक है। अब देखो बेटा 12.09 है ना बेटा, ये कितना आ रहा है बोलो बच्चों, ये कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक मिनट से कर देता हूं। सबसे पहले बताओ लाइमन फर्स्ट का कितना आया था, लाइमन फर्स्ट का 1216, वेरी गुड। लाइमन सेकंड का 1026 आ रहा बच्चों। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि मुझे लाइमन का थर्ड का निकालना है तो क्या करेंगे, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 12.75 कितना आ रहा है, 972 के आसपास आ रहा बच्चों। बेटा एक बात बताओ, ये लैम्डा क्या हो रहा है, ये लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, लैम्डा डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डेल्टा ई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो डेल्टा ई इंक्रीज हो रहा है, बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई, आ गई क्या, ठीक है। अब जैसे मैंने ये किसके लिए निकाला, लाइमन के लिए, अब देखो बेटा सुनो बात करें बामर के लिए, बामर के लिए बात करें, तो बामर में देखो बेटा सुनो ये 2 है,
ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है ना। मैंने वन नहीं लिखा बेटा, ठीक है। फिर यहां माइनस 3.4, माइनस 1.51, माइनस 0.85 एंड माइनस 0.54। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट बन जाएगी, ये सेकंड बन जाएगी और ये थर्ड बन जाएगी। क्या ये बात समझ आई बच्चों? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आई? अब देखो बेटा, सुनो, हमें निकालना है लैम्डा पामर फर्स्ट, ठीक है। तो 12400, आप बताओ पामर फर्स्ट में एनर्जी डिफरेंस कितना आया? तीन और दो के बीच का एनर्जी डिफरेंस 1.89 आया। आया बच्चों? आया। अच्छा बताओ, आपको पामर की सेकंड चाहिए, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अब बताओ बच्चों कितना आया डिफरेंस? बताओ 2.55 आया क्या? अब डिफरेंस किसमें देखना है? 0.85 एंड 3.4। तो डिफरेंस कितना आया बच्चों? डिफरेंस कितना आया चार और दो के बीच में? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.55 आ रहा बच्चों, आ रहा है। अब देखो, अगर मान लीजिए आपसे पामर की थर्ड पूछे, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और अब बताओ डिफरेंस कितना हो गया? 2.86 हो गया बच्चों। कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। अब बताओ बामर का कर लिया, पास्चन का कर लेंगे आप? पास्चन का कर लेंगे। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई कहे क्या कि कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन पामर एंड पास्चन सीरीज, बताओ बच्चों। कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन पामर एंड पास्चन सीरीज। तो बेटा लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो डेल्टा ई क्या चाहिएगा बताओ? लैम्डा मिनिमम चाहिएगा, तो डेल्टा ई क्या चाहिएगा? मैक्सिमम। अब डेल्टा ई मैक्सिमम का मतलब हमें कहां जाना पड़ेगा? डेल्टा ई मैक्सिमम का मतलब इनफाइनाइट पे जाना, वेरी गुड, जाना पड़ेगा बेटा। तो देखो सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि माइनस 13.6 और इनफाइनाइट, ठीक है। फिर माइनस 3.4 इनफाइनाइट और माइनस 1.51 इनफाइनाइट। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ऐसे होगा ना। लाइमन के लिए वन, बामर के लिए टू, पास्चन के लिए थ्री। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, हमें 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय ये करेंगे 1240 है ना बेटा, डिवाइडेड बाय 3.4 और 1240 बोलो बेटा हम क्या करेंगे? 1.51। क्या ये भेजे में बैठा? अरे भेजे में बैठा, बोलो बच्चों। तो बेटा हमने क्या किया, हमने डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि देखो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? इनफाइनाइट पे जीरो होती है बच्चों। तो जीरो और माइनस 13.6 डिफरेंस कितने का हो गया? जीरो और माइनस 13.6 13.6 का आ गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ
एक बात बताओ, मैं अगर पूछूं कि अपने को लाइनमैन फर्स्ट फोर हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, फिर पामर सेकंड फोर एच ई प्लस, है ना, फिर पास्चन थर्ड फोर एल आई प्लस टू, ये बेटा बताइए मेरे को फटाफट, लाइमन फर्स्ट, बामर सेकंड एंड पास्चन थर्ड, जल्दी बताओ इनकी वैल्यूज बताओ बच्चों, कैलकुलेट करके लैम्डा की। Very good. हाँ जी, ये सबके लिए सिमिलर आएगा, सबके लिए सिमिलर आएगा। देखो बेटा सुनो, बताओ आपको सबसे पहले, देखो मैं कहता हूं लाइमन फर्स्ट, पामर सेकंड एंड पास्चन थर्ड, ये बेटा लाइमन फर्स्ट, पामर सेकंड, पास्चन थर्ड। लाइमन फर्स्ट कब बनेगी? दो से एक बनेगी बच्चों, आप बताओ। पामर सेकंड, पामर सेकंड बोलो, चार से दो बोलो बच्चों, है ना। फिर आप क्या कह सकते हो, बोलो अगली, बोलो पास्चन थर्ड, सिक्स टू थ्री, है बच्चों, है बच्चों। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना है, तो बताओ क्या इनके लिए, देखिए अगर मैं बात करूं, एक बात आओ, सबसे पहले इनमें डिफरेंस बताओ बच्चों। देखो मैं अगर बोलूं वन बाई वन इंटू हंड्रेड, या टू बाई टू, या थ्री बाई थ्री इंटू हंड्रेड, क्या एनर्जी लेवल में डिफरेंस इक्वल आ रहा है क्या? एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ रहा है क्या? देखो बेटा सिक्स से थ्री है ना, तो डिफरेंस तीन का आ रहा है ना बच्चों, आ रहा है। अब देखो बेटा ये तो चलो मैं एक बार हटाता हूं, अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कैसे करेंगे समझाता हूं बेटा, सुनो ढंग से, ध्यान से सुनना। लाइमन फर्स्ट यानी टू टू वन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 13.6 माइनस 3.4, ये करेंगे बच्चों। मैंने एक बार माइनस हटा दिया है, ठीक है ना, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10.2 का आएगा बच्चों। अब चार से दो में डिफरेंस बताओ बच्चों, चार से दो में डिफरेंस, देखो आप बताओ, दो की एनर्जी होती है 3.4 और चार की होती है 0.85, होती है क्या? अरे होती है बच्चों, ये देखो चार की है 0.85, है बच्चों। तो बताओ सोल्व करने पर ये कितना आएगा, 3.4 माइनस 0.85 कितना आया बच्चों, 2 पॉइंट कितना आया, अभी किया था 2.55 आया, आया बच्चों। अब बताओ अगला, बताओ आपको है 6 to 3 का पता है 1.51 और इसका कितना है 0.37, है बच्चों, तो डिफरेंस बोलो कितना आया, 1.14, क्या ये बात समझ में आई, 2.86 क्यों बोल रहे हो बेटा,
देखो ये मैंने बोला था कि डाटा याद करो, देखो थर्ड में ये है और सिक्स में ये है, है बच्चों? तो कितना आया, 1 पॉइंट कितना आ रहा बच्चों, 1.3 आ रहा है क्या, 1.13 आ रहा है। अब देखो बेटा ये डिफरेंस हमने किसके लिए निकाला है, ये डिफरेंस हमने किसके लिए निकाला है बच्चों, ये डिफरेंस हमने किसके लिए निकाला है, हाइड्रोजन के लिए निकाला है बच्चों। अब देखो बेटा हमें ये तो चलो हाइड्रोजन का ही लिखना था, है ना, लिखना था, लेकिन यहां बच्चों देखो आपको ये किसके लिए लिखना है, पामर सेकंड किसके लिए निकालनी थी, एचई प्लस के लिए। तो बताओ एचई प्लस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एनर्जी के फॉर्मूले में पता है क्या, एनर्जी के फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा था बताओ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो हाइड्रोजन का तो चलो जेड वन है, लेकिन एचई प्लस का तो जेड क्या हो गया, 2 हो गया ना बच्चों, तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, 4 किसके लिए, देखो ये हो गया 4 HE+, है ना। अब बताओ 1.13 इंटू 3 का स्क्वायर ये क्या होगा, बोलो 4 Li+2, बोलो बच्चों क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई। अब आप देखो बेटा सोल्व करोगे ना तो सब में वैल्यू ये आ रही है क्या, सब में वैल्यू ये आ रही है क्या बताओ, अरे सबकी वैल्यू ये आ रही है क्या, तो जब सबकी वैल्यू ये आ रही है तो लैम्डा भी फिर क्या आएगा, सिमिलर आएगा बच्चों। ये देखो ये अभी आपने सॉल्व भी किया था, है ना, 10.2 वाला ये बड़ा 1216 कह सकते हैं बच्चों, 1216 1216 1216। अरे बच्चों समझ में आया क्या, बेटा देखो 1 से 2% चेंज देखो, 2 से 4% चेंज देखो, 3 से 6% चेंज देखो, देखा, अरे देखा क्या बेटा, समझ में आया क्या, बोलो। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो लैम्डा ऑफ लाइमन फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन, है ना, लैम्डा ऑफ पामर सेकंड ऑफ एचई प्लस, लैम्डा ऑफ पास्चन थर्ड फॉर Li+2, बोलो बच्चों, फिर लैम्डा ऑफ ब्रिकेट फॉर P+3, है ना, फिर अपन ले सकते हैं फंड बोरोन +4, बोलो बच्चों, तो ब्रिकेट ये फंड का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5th, क्या समझ आया बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लाइमन की फर्स्ट, पामर की सेकंड, पास्चन की थर्ड, ब्रिकेट की फोर्थ, फुंड की फिफ्थ, ये सारे इक्वल आएंगे बच्चों, बोलो। अरे बच्चों समझ में आया क्या, आ गया सबको, सबको क्लियर है, दर्शिका गोस्वामी, गोस्वामी जी ओके। अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने ना ये जितने भी डाटा कैलकुलेट किए हैं, आई थिंक आपने एक ऐसा फॉर्मूला यूज किया होगा, किया था क्या, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन
एन वन स्क्वायर वन अपॉन एन टू स्क्वायर किया था क्या? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला इजी है हैंडल करने में, 12400 वाला ये वाला, आपको कौन सा इजी लगता है? मेरे हिसाब से 12400 वाला बेटर है ना, 12400 वाला बेटर है। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है? चलिए देखिए बेटा सुनिए, बात करते हैं बेटा सुनिए। एक बात है बेटा, जैसे सपोज ये कोई सिस्टम है क्या बेटा, इस सिस्टम में जब एनर्जी आएगी, सिस्टम में जब एनर्जी आएगी तो डेल्टा ई क्या होगा बताओ? आपकी जेब में कुछ रुपए आए तो प्लस हुआ या माइनस हुआ? प्लस हुआ ना, तो डेल्टा ई प्लस होगा। और सिस्टम से जब बाहर जाए, आपकी जेब में से कुछ पैसे बाहर जाए तो क्या होगा? माइनस होगा, कन्फर्म माइनस हुआ। इसको भी समझ में आता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल है ना, किसी हायर एनर्जी लेवल N2 से लोअर एनर्जी लेवल N1 में आ रहा है, तो मुझे बताओ बच्चों जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा बोलो बच्चों? एमिशन होगा? होगा बच्चों। तो देखो बेटा यहां पे क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अब देखो बेटा डेल्टा ई मैं लिखूंगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसा लिखूंगा। अब देखो बेटा मैंने ये बोल दिया कि देखो ये आपका इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो आप मुझे बताओ क्या करोगे कि फाइनल तो हो गया एन वन और इनिशियल हो गया एन टू, और मैं यहां लिखूंगा माइनस डेल्टा ई। ये बच्चों मैंने माइनस डेल्टा ई क्यों लिखा कौन बताएगा? रिलीज हो रही है, पास में आएगी बोलो बच्चों, एनर्जी कैसे हो रही है? रिलीज हो रही है। अब देखो बेटा सुनो, हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? हमने पढ़ा था माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, पढ़ा था क्या? ये फॉर्मूला देखो बेटा बहुत पहले आया था कहीं, ये देखो ये पढ़ा बेटा टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर जेड स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आया पढ़ा है? पढ़ा है बच्चों? ये फॉर्मूला मैं वापस यहां यूज ले रहा हूं, ठीक है ना? देखो अब क्या करेंगे, माइनस डेल्टा ई यहां लिखेंगे माइनस टू पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर ई फोर जेड स्क्वायर अपॉन एंड वन स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर ये माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर जेड स्क्वायर, ये हो गया, हो गया बच्चों। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बोलो बच्चों, बोलो? अब देखो बेटा इधर माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, ये माइनस कॉमन आके
कैंसिल हो जाएंगे क्या? बोलो बच्चों, ये जो माइनस है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना बेटा, सिंपल सी बात है। तो बताओ अब डेल्टा ई जो बचा उसमें ये बचा 2π² mk² e4 z² h² और ये बचा है क्या? बोलो बेटा, ये बच गया, बोलो। अरे माइनस को कॉमन ले लिया तो ये बचेगा ना, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, अब बेटा इस डेल्टा ई को मैं एच सी बाय लैम्डा लिख सकता हूं, डेल्टा ई को एच सी बाय लैम्डा। डेल्टा ई को लिखा जा सकता है। फिर देखो 2π² mk² e4 z² h² हो गया बेटा। अब देखो बेटा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये मुझे क्या मिल गया, 1/ लैम्डा 2π² mk² e4 / CH³ z² 1/ n1² और ये हो गया। ओके बेटा, इस 1/ लैम्डा को एक चीज और बोलते थे आप, मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको, 1/ लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर, याद करो ये पढ़ाया मैंने, है ना? इसको क्या बोला था हम लोगों ने? वेव नंबर। वैसे समझ में आ गया भाई, वेव नंबर क्या होता है? यूनिट लेंथ में जितनी वेव बनती है। भाई मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक वेव की लेंथ 0.1 मीटर है, एक वेव की लेंथ कितनी है? 0.1 मीटर। तो मुझे बताओ 0.1 मीटर की कितनी वेव 1 मीटर में बनेगी? 0.1 मीटर की वेवलेंथ की वेव 1 मीटर में कितनी बनेगी? 10 बन जाएगी ना, 10 बन जाएगी बच्चों। तो बस वही बात मैं यहां समझा रहा हूं आपसे। अब देखो बेटा, सुनो, इन सारी चीजों को देखो आप, क्या ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है? क्या ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है? इनको बेटा हमने नाम दिया क्या? रिडबर्ग्स कांस्टेंट दिया बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट बोला। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/ लैम्डा आर z² आ गया। एक तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपके काम का है बेटा, ये समझ में आया? बोलो बच्चों, आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें यूनिट ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, है ना बेटा, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? एक बात हो बेटा, जेड की कोई यूनिट होती है क्या? जेड तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। N1, N2 एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। इसका मतलब R की जो यूनिट है वो 1/ लैम्डा के बराबर हुई फिर? R की जो यूनिट है वो 1/ लैम्डा के बराबर हुई क्या? बोलो बच्चों। अच्छा बताओ, लैम्डा की यूनिट क्या होती है? लैम्डा की होती है मीटर या सेंटीमीटर। तो 1/ लैम्डा की क्या हो जाएगी? देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? या तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉम इनवर्स। बोलो बच्चों, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और एंगस्ट्रॉम इनवर्स, क्या ये समझ में आया? आया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर बात करें वैल्यू ऑफ आर, तो इसकी वैल्यू ये आती है बच्चों, है ना, 109700 ये आती है बेटा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना? देखो
ये है क्या, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, है ना बेटा? अब देखो सेंटीमीटर है ना, एक सेंटीमीटर में अपन क्या करेंगे, हमें पता है ना कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, 1/100 मीटर हो गया ना, हो गया बच्चों। तो बस आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की जगह ये वैल्यू रख लेनी है। कर देंगे क्या, बोलो बच्चों, कर लेंगे सोल्व? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। हमने 1/λ r z² ये किया बेटा, या यहां से अगर मैं क्या करूं, इसको एलसीएम ले लेता हूं, n1² n2² तो बेटा ये आएगा क्या, 1/λ r z² बोलो। अब देखो बेटा, अगर मैं लेमडा निकालूं तो मेरे पास ये बन जाएगा क्या, बोलो बेटा, लेमडा का ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, बन जाएगा। अब देखो आप एक काम करो, इस 1/r की वैल्यू याद करो, 1/r की वैल्यू, ये वैल्यू याद करो, 1/r 9/1 आ गया, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इस लैम्डा का जो अपने फॉर्मूला लिखा, ये समझ में आया? अरे ये फॉर्मूला यूज लिया कभी, बोलो बोलो बच्चों। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, एक तो लैम्डा निकालना है, किस किस का, जो अपन ने आज ऊपर निकाला ना, देखो क्या बोलोगे, लैम्डा लाइमन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, एंड इनफाइनाइट। इसी तरह से लैम्डा पामर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनफाइनाइट, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है और इस फॉर्मूले से करना है आपको, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करना है और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। क्या आप करेंगे कोशिश, बोलो बच्चों, पक्का? तो बेटा कल अपना बोहर मॉडल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बोर मॉडल